नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी। जेवर वासियों को मिल रहा है नए साल का तोहफा। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। संबंधित टॉप अधिकारियों का कहना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। यहां से पहली फ्लाइट दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक उड़ान भरने की संभावना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO अरुण वीर सिंह ने कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट के चलते विस्थापित हुए 3000 से ज्यादा परिवार के पुनर्वास का काम भी मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। सभी विस्थापित परिवारों को जेवर बांगर से बसाया जाएगा। 3000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन पहले रनवे के लिए ली गई थी, उन्हें सबसे पहले बसाया जाएगा। 6 गांव के इन परिवारों के पुनर्वास पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के साथ जेवर क्षेत्र में बनाए जा रहे हवाई अड्डे के नाम, लोगो और डिजाइन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि स्विट्जरलैंड की प्राइवेट कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को एयरपोर्ट बनाने का ठेका मिला है। वहीं NIAL प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी है जो कि प्राइवेट के डेवलपमेंट की निगरानी करेगी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट और NCR में गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट के बाद नोएडा दिल्ली NCR का तीसरा एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहा ये जेवर एयरपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। CM योगी ने कई बैठकों के बाद इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तय किया है। साथ ही इस एयरपोर्ट का नाम और लोगो भी तय कर लिया गया है। सरकारी रिलीज के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोगो, नाम और डिजाइन को अपनी स्वीकृति दे दी है। 4 चरण में बनने वाले इस हवाई अड्डे की शुरुआती क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की होगी, जिसे अलग अलग चरण में बढ़ते हुए 2050 तक 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष तक किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तय होने के साथ साथ इसका लोगो भी फाइनल कर दिया गया है। नीले रंग का होगा इसका लोगो, जिसमें राज्य पक्षी सारस की परछाई है। हालांकि इसके डिजाइन पर अभी भी विचार चल रहा है। नाम और लोगो तय करने के लिए हुई बैठक में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO क्रिस्टोफर शानलमैन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एयरपोर्ट का नाम फाइनल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक होगा। इसे हम विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनाएंगे जो भारत का गौरव बनेगा। CM योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से राज्य में रोजगार के मौके भी बनेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और ऑपरेशन की जिम्मेदारी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को मिली है। इस कंपनी का कंसेशन पीरियड 40 वर्ष का तय किया गया है। सरकारी निजी भागीदारी यानी PPP फॉर्मूले पर विकसित हो रहे इस एयरपोर्ट के पहले चरण को वर्ष 2024 में पूरा होने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। देश के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई मायनों में अनूठा होगा। ये पूरी तरह से डिजिटल तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। यात्री, एयरलाइंस और पार्टनर्स को भी बेहतरीन सुविधा मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी श्रेणी में पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा, जो एविएशन के लिए नए स्टैंडर्ड्स तय करेगा। जर्मन कंपनी के मुताबिक साल 2024 में एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस हवाई अड्डे पर हर साल 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ साझेदारी में ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल इस एयरपोर्ट को इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा। यात्रियों और लॉजिस्टिक पार्टनर्स के लिए आसान इस्तेमाल की भी व्यवस्था होगी। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं,